पूर्व जिला मंत्री राम प्रकट सिंह निश्चित रूप से यदि राष्ट्रीय नागरिकता अध्यादेश जो लाया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हुआ है, यदि इस तरह उपद्रव करने वाले लोग इस तरह के विद्यालयों में अध्ययन किए होते, पढ़े लिखे होते, तो मुझको लगता है कि जिस प्रकार का अफवाह फैला करके इस देश के प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने का, नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया गया, वो सफल नहीं होते। कहीं न कहीं इसके पीछे गुमराह करने वाले लोग अपने मंसूबे में अफवाह फैला करके इसलिए सफल हो जाते हैं कि हमको शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव होने के कारण ही ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। इस बिल से कहीं पर किसी को क्षति नहीं होने वाली है। इस बिल के कारण कोई जल्दबाजी नहीं, उसमें जागरूक करने की कहीं कोई स्थिति नहीं। सारी चीज़ें लोकसभा में बहस हुई 12 घंटे, राज्यसभा में बहस हुई, बिल कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं पास हुआ। उसमें पूरी बातें आ गई कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए हुए लोग हैं, जो पीड़ित हैं, पद्दलित हैं, शोषित हैं, दुखी लोग जो वहाँ से अपना घर परिवार, अपनी बेटी बहू की इज्जत अस्मत को बचाने के कारण यहाँ पर आए, ऐसे लोग बेचारगी की ज़िंदगी जी रहे थे विभिन्न प्रदेशों में, उनको जो है वो इसका नागरिकता मिले, और इस नाते कहीं बाकी किसी के मन में कोई जो भ्रम की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए थी, भ्रम फैलाया गया है और उसके जो लोग भी गुमराह हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये शिक्षा है। और सभी लोगों को हमारे नेताओं के, प्रधानमंत्री जी की अपील, मुख्यमंत्री जी की अपील, गृहमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उस पर ध्यान दे करके सभी को और अपने अपने काम में लगना चाहिए, शांति सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए। कांग्रेस का प्रदेश, मतलब किस प्रदेश में कांग्रेस का राज्य, वहाँ पर इस तरीके से दंगे नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है, क्या कहीं इसके पीछे कौन है आखिर, आप इसको बताएं। राज्यों में दंगे हो रहे हैं, मैं तो आप सब लोग अखबारों में, मीडिया चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि इसको उकसा कौन रहा है, इसको चला कौन रहा है, हवा कौन दे रहा है। और कल तो कांग्रेस की एक नेता पहुँच गई धरना स्थल पर ही, तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं इसको हवा दे करके, और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहाँ पर अमन चैन नष्ट हो, विनष्ट हो।